आज मेरे पास आई है एरोक्स 155 यामाहा की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका पीछे का टायर चेंज करना है और ब्रेक शू चेंज करना है, तो कैसे टायर खोलते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और खोलने के लिए क्या क्या चीज़ खोलना पड़ता है आप ये वीडियो में आप देख ही पाएंगे आराम से, बाकी मैं समझा ही दूंगा। तो सबसे पहले रेडिएटर जाली खोल लेंगे, इसका 8 नंबर के 3 बोल्ट 2 बोल्ट लगे रहते हैं। तो ये 2 बोल्ट खोलने के बाद इसका साइलेंसर खोलना पड़ेगा, तो साइलेंसर खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये 2 बोल्ट यहाँ पे हेड का रहेगा नीचे 12 नंबर का, और 3 बोल्ट पीछे रहेगा 14 mm का। तो ये 3 2 5 बोल्ट खोल के साइलेंसर इजी बाहर निकल जाएगा। ऊपर से एक ऑटो सेंसर का वायर रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो टोटल 6 काम आपको करना पड़ेगा, 2 5 बोल्ट और एक ये ऑटो सेंसर का वायर। तो ये सब निकालते हैं आपको फिर दिखाते हैं। और तो साइलेंसर बाहर निकल चुका है, अभी खोलेंगे इसका 24 mm का जो नट है व्हील का, वो उसके पीछे एक डिस्टन लगता है वो, और ये ABS का 10 नंबर का बोल्ट यहाँ और एक आगे। ये सारे बोल्ट खोलेंगे, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो ये हमारा खुल गया 24 mm वाला, अभी 10 नंबर वाला बोल्ट खोलेंगे, 10 न्यूटन मीटर का जो नट रहता है 10 mm का, उसको खोलेंगे। और ये डिस्टन और नट साइड में रखेंगे। ये रहा ABS का वायर, ये सॉकअप का भी बोल्ट खोलना पड़ता है इसका, और ये ABS का वायर है, इसको आराम से निकालें क्योंकि अगर तो टूट गया तो बहुत कॉस्टली है ये वायर। और आगे का भी 10 नंबर का बोल्ट खोल लेंगे, जैसे खुल रहा वैसे फिटिंग होगा। फिटिंग का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, कभी किसी और वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वो वीडियो ले नहीं पाया मैं, तो खोलने का ही वीडियो लिया हूँ। तो खोल जैसे खुलेगा वैसे फिटिंग होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी, एकदम इजी आराम से खुलता है, बस थोड़ा ध्यान देके खोलना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। तो ये हमने पूरा चिमटा इसका जो कैंची होता है वो पूरा बाहर निकाल लिया, उसके पीछे एक डिस्टन लगेगा वो निकाल लिया। अभी उधर से पीछे का ब्रेक खोलेंगे, उसके बाद व्हील आराम से निकल जाएगा बाहर। तो व्हील खोल के और टायर आपको दिखाते हैं, नया टायर कितना नंबर का है और कौन सी कंपनी का, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये गाड़ी चल चुकी है लगभग 9,000 किलोमीटर, और ये टायर फर्स्ट टाइम खुल रहा है, क्योंकि गाड़ी वाले बोल रहे थे एक बार भी टायर नहीं खुला इसका। तो सर्विस सेंटर में सर्विसिंग कराने से यही फ़ायदा होता है भाई, टायर नहीं खोलते हैं। और इसका केम इतना जाम था कि इसमें डबल स्प्रिंग लगा रखा था वहाँ पर ब्रेक रॉड में, तो आप समझ सकते हैं सर्विस सेंटर में किस लेवल का काम होता है। तो ये मैंने यामाहा का ओरिजिनल ब्रेक शू मंगाया है, और इसमें सीएट का टायर पड़ रहा है, सीएट का डालेंगे टायर, जिसका नंबर आपको बता देंगे। ये रहा टायर का टायर और नंबर, आपको टायर का साइज आप इधर लिख देंगे वो देख लेना। तो ये सीएट का टायर हमने डाला है इसमें, और टायर इसी प्रकार से खुलता है इसका पीछे का व्हील, तो इसी प्रोसेस से आप गाड़ी का सर्विस भी।